थोड़ा नीचे कर जाने भाई। काफी दिनों से, काफी अच्छे से मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ग का आग्रह था कि हमारे लिए भी कमीशन का गठन किया जाए, और दो बार तीन बार उनने इस सारे विषय को लेकर के हमसे मांग भी की, और हम इस बात को थोड़ा सा देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है, और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में, और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है, और जिसको इनके ही जो नेता है रूमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। तो आज हमने थोड़ी डिटेल्स उसमें ली हैं, और डिटेल्स लेने के बाद हमने जब हमने देखा कि इनकी मांग काफी अच्छे से इस बात को लेकर के चल रही है, हमने इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद हम सारे समाज को इकट्ठा होकर के चले, जैसे हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए भी कमीशन है, ओबीसी भी, ओबीसी के लिए भी कमीशन का प्रावधान है, और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें, और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया है। और आप सबके माध्यम से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है, और हमने कहा कि अगला जो हमारा बजट सत्र आएगा, बजट से क्योंकि कमीशन है, कमीशन हमको विधानसभा में हमको एक्ट के रूप में इसको करना पड़ेगा, जाने का कार्यक्रम है, हालांकि मैंने कहा था कि भी हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विधानसभा सत्र के कारण जो है हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई होती, क्योंकि ये विंटर सेशन वर्तमान सरकार के कार्यकाल का ये जो है वो अंतिम सत्र यहाँ धर्मशाला होता है, उसके बाद हमारे बजट सत्र होगा, उसके बाद हमारा मानसून सत्र, उसके बाद चुनाव, तो ऐसे सूरत में ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग काफी अरसे के बाद होगी, लगभग ज्यादा 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, तो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होनी है, उस दृष्टि से उन्होंने बात कही केंद्र की ओर से हमको, और मेरठ जाने का कार्यक्रम 13 तारीख को बनेगा। आज भी हम सदन के अंदर उनकी तुलना में लगभग दुगने के करीब हैं। आज जब सदन के अंदर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, और उस प्रस्ताव पर जब हमारे अध्यक्ष महोदय जी विधानसभा के उन्होंने अपनी व्यवस्था दी, और व्यवस्था के साथ जब उनसे पूछा कि आप इसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ करना चाह रहे हैं, तो प्रस्तुतिकरण के लिए यह आवश्यक है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो हाउस की जो हमारी संख्या है उसके अनुरूप वहां पर संख्या होनी चाहिए, वो संख्या कुल मिलाकर के जो खड़े हुए थे जितने भी सदस्य, शायद मित्र में 20 लोग खड़े थे, और वो संख्या जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए जो जितनी जरूरी चाहिए तो उतनी से है ही नहीं, 23 चाहिए थे, और इस कारण से वो प्रस्ताव जो है आगे बढ़ने से पहले ही गिर गया, और स्वीकार कर दिया अध्यक्ष महोदय ने, उसकी व्यवस्था दे दी। जब उनको अच्छी तरह से मालूम है विपक्ष के लोगों को कि आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 5 साल तक के लिए,
और मेजोरिटी हम उनमें से उनसे दुगना है। ऐसी परिस्थिति में अपना मजाक बनाना, अपनी फजीहत करवाने का उनको शौक था, वो फजीहत उनने करवाई और यही अपरिपक्व नेतृत्व की एक निशानी है जो आज विधानसभा के अंदर आप लोगों ने तमाशा देखा। सर आप वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बजट सत्र में इस आयोग का गठन करेंगे, ये हमने उनको बात कही और उनसे मेरा निवेदन है इस बात के लिए कि अब वो जाएं, सब मिल करके रहें, समाज के बारे में जो अच्छा बोलें और अच्छा बोल करके हम इकट्ठा होकर के काम करें। सर अभी जो आप इनसे विपक्ष तो बात कहनी तो वो कही, अब इनको इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि मानना चाहिए, इनको आभार व्यक्त करना चाहिए और जाकर के सब लोगों के बीच में जाकर के इस बात का जो है वो मनाना चाहिए, इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। थैंक यू।